Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day, जो कि संडे को थोड़ा सा लेट हो जाता है, but definitely message of the day है, तो वो तो एक reading होती ही है, जो कि होनी चाहिए. वैसे तो मैं regular basis पर जो है वो उसको morning में upload करती हूँ, लेकिन संडे था तो आज मैं भी थोड़ा सा rest कर रही थी. तो message मिलना मकसद है, जिस time पे पहुँचे वो अलग बात है, ठीक है. सो मैसेज ऑफ द डे, लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होती है, अगर आप मॉर्निंग में देखें, जो कि अब आफ्टरनून हो गया है, तो आपसे आपके लिए गाइडेंस है. और अगर आप इसको एंड ऑफ द डे देखेंगे तो आपको एक रिफ्लेक्शन मिलेगा कि अच्छा, आज ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ इसका कॉन्टेक्स्ट ये था, ठीक है. मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब इम्पोज मत कीजिएगा, लेकिन ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा, ठीक है जनाब. तो देखते हैं कि मैसेज ऑफ द डे आज क्या है. ज़ोडियक साइन से इन्फ्लुएंस भी चेक करेंगे और एंजल नंबर से अफर्मेशंस भी लेंगे. आई डोंट नो व्हाई, मुझे लग रहा है या आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे, मैं प्राइवेट रीडिंग्स भी दे रही हूँ, रेगुलर रीडिंग्स भी कर रही हूँ, 888, 888, 888 और 888. ये नंबर इतना ज़्यादा जो है वो रीडिंग्स में आ रहा है, मुझे भी रीडिंग्स में नज़र आ रहा है, मेरी सराउंडिंग में मैं ख़ुद भी 888, 888 को बहुत ज़्यादा देख रही हूँ. तो आप भी नोटिस करें, बिकॉज़ ये अबंडेंस का नंबर होता है, खुशहाली का नंबर होता है, मनी मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है. तो ऑल्दो मेरा न्यूमरोलॉजी से या एस्ट्रोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब आप टैरो के अंदर इंडल्ज हो जाते हैं तो फिर आपको हर चीज़ जो है वो सिंक्रनाइज्ड करनी पड़ती है. और मैंने नंबर से रिलेटेड जो है वो एक थ्योरी, एक लिटरेचर और एक बुक पढ़ी हुई थी, जिसकी बेसिस पे मैंने नोट्स अपने, ये मेरी डायरी हमेशा मेरे पास होती है, ये मेरा फर्स्ट मेरे नोट मेकिंग होती थी जब मैं टैरो को सीख रही थी और तमाम चीज़ें कर रही थी. तो इसमें मैंने सारे लिटरेचर और थ्योरी रखी है, बट इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन एंड अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी. तो नोटिस किया करें, बिकॉज हर छोटी सी चीज़ जो कि साइलेंटली हमारे पास एज अ सिंबल आ रही होती है, वो इम्पॉर्टेंट होती है. आई एम नॉट सेइंग कि आप कॉन्शियस रहना शुरू कर दें, बट इग्नोर भी मत किया कीजिए, बिकॉज हर चीज़ में जो है वो कोई ना कोई मैसेज होता है, ठीक है. मैसेज ऑफ द डे, आज का मैसेज, संडे फंडे, रिलैक्स डे, हेक्टिक डे, जैसे भी आप इसको लें, देखते हैं जनाब मैसेज ऑफ द डे. एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, हर्मिट. हर्मिट इटसेल्फ आ गया, इसके बाद का कार्ड इसका आंसर होगा. नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. वेरी नाइस, वेरी इंडिपेंडेंट मैसेज आई मस्ट से, बड़ा खुद मुख्तारी वाला मैसेज. एंड बॉटम ऑफ द डेक, सेवन ऑफ सोर्ड्स. सेवन ऑफ सोर्ड्स से डरा मत कीजिए, सेवन ऑफ सोर्ड्स के नीचे क्या है, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ कार्ड. ऑलराइट, चलिए जी, ओवरऑल एनर्जी में आपकी लाइफ में कोई एक फेज एंड हो रहा है. बहुत क्विकली अगर मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी बताऊं, आपकी लाइफ में कोई एक फेज़ एंड हो रहा है और आप अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग की तरफ हैं. मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दें. पेंटिकल नंबर एट की मैंने बात की थी, नंबर एट, देख लें आप. तो मेहनत नहीं कर रहे हैं तो करें, क्योंकि करेंगे तो पैसा इस वक्त आपकी पाइपलाइन में है, आपके सराउंडिंग में पैसा घूम रहा है. इट इज़ ओनली द मैटर ऑफ वर्किंग. ऑनलाइन आप कोई काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस का एंटरप्रेन्योर, ऑनलाइन कोई भी चेन रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, एनीथिंग, चैनल है आपका, व्लॉगर हैं, ब्लॉगर हैं, जो भी हैं, कीप ऑन डूइंग दैट. लेकिन इतना ज़्यादा उसको ब्रैग मत कीजिए और इतना ज़्यादा उसको पब्लिसाइज मत कीजिए. मेहनत करते रहिए ओवरऑल एनर्जी में, बिकॉज आपको थोड़ा सा अपनी एक्टिविटीज़ को सीक्रेट रखने की ज़रूरत है और आप रख भी रहे हैं. पॉइंट यह है कि आपकी ओवरऑल एनर्जी में एक बात है कि आप जो कर रहे हैं ना, अब आप चाहते हैं कि मैं कुछ भी करूं, मुझे लोगों को बताकर बावर कराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. आपकी एक तो ये ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है, आप कुछ ना कुछ अपने आप को एंटी सोशल करने का प्लान कर रहे हैं,
आप लोगों के सवालात के जवाब नहीं देना चाहते तो आप अपने आप को प्राइवेट रखना चाह रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को सीक्रेटिव जोन में डालने वाले, बिकॉज विद द पेज ऑफ सोर्ड्स आपको लगता है कि कोई आपको ट्रेस करता है, आपको स्टॉक करता है, आपको ट्रैक करता है, एंड नाउ यू डोंट वॉन्ट टू बी इन देयर आई. बहुत जल्द ऐसा होगा कि आप अपनी फ्रेंड लिस्ट को, अपने व्हाट्सएप की लिस्ट को, अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को डीक्लटर करेंगे और आप रिफ्लेक्टिव फेज़ में आज ज़रूर जाएंगे कि मैं उन सब लोगों को अपनी लिस्ट में से हटा दूं या ब्लॉक कर दूं या डिलीट कर दूं जिनका मुझसे कोई लेने देने का वास्ता नहीं है. एक ये चीज़, ठीक है. नाउ कमिंग बैक टू मैसेजेस ऑफ द डे. आप बहुत दिनों से किसी चीज़ को छोड़ना चाह रहे थे और आपकी आज की प्रेजेंट एनर्जी और मैसेज ऑफ द डे में यही है कि आपको लग रहा था किसी चीज़ को अगर मैं छोड़ूं तो जायज़ा चल रहा था उसका. आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे अपने डिसीजन को. फियर तो मैं नहीं कहूँगी, आप दिल बर्दाश्ता हैं और आप उस चीज़ में नहीं रुकना चाहते जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही. तो यू हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन. मैं किसी मसले को लेकर, किसी की नाराज़गी को लेकर, किसी के रूठने को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर, जॉब बिजनेस करियर के मामले को लेकर मैं दिल से लगा कर बैठूँ कब तक. यू गेव अ लॉट ऑफ टाइम. आप इस चीज़ को बहुत सोचते हुए देखते हुए नज़र आ रहे हैं, बट फाइनली द बोल्ड एंड द ब्यूटिफुल एनर्जी इज़ दैट यू हैव डिसाइडेड टू लिव इंडिपेंडेंट, फ्री स्पिरिट. ऑल्दो आपका मैरिटल स्टेटस या रिलेशनशिप स्टेटस जो भी हो, बट यू हैव डिसाइडेड नाउ. बिकॉज हर्मिट कार्ड में, आपको टैरो की एक टिप बता दूँ जो मैं हमेशा बताती भी हूँ, जब हर्मिट कार्ड आ जाता है तो उससे पहले का कार्ड आपका क्वेश्चन होता है और जो हर्मिट कार्ड के बाद का कार्ड होता है वो आपके उस क्वेश्चन का आंसर होता है. तो मे बी आप जिस चीज़ से वॉक अवे करना चाह रहे थे, आप कॉन्टेम्पलेशन में थे, आप सोच में थे, आप एनालिसिस में थे कि मैं ये करूँ या ना करूँ, बट फाइनली यू हैव डिसाइडेड टू लीव एंड नाउ यू आर कॉन्फिडेंटली इंडिपेंडेंट. पैसा, आज़ादी, खुद मुख्तारी, खूबसूरती, अट्रैक्शन इस वक्त आपके कोर्ट में है. That is why you want to keep it secret, because आपने शायद बहुत सर्व कर दिया लोगों को, बहुत लोगों के प्लेटर में अपना हिस्सा भी डाल दिया, बस अब you don't want to do it. तो आपके मैसेज ऑफ द डे में आज एक डिसीजन नज़र आ रहा है, आपके मैसेज ऑफ द डे में आज आप वॉक अवे करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये वॉक अवे ओवरनाइट नहीं नज़र आ रहा, ये वॉक अवे का डिसीजन बहुत दिनों की मशक्क़त और सोचने के बाद. हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को प्राइवेट कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को सीक्रेटिव कर रहे हैं, वो इसलिए भी कि कहीं ना कहीं को किसी ने कोई पैतरा आजमाया हुआ है आपके ऊपर नज़र रखने का, ठीक है. तो ये टॉक्सिसिटी कह लें, ये किसी की खुद की इनसिक्योरिटी कह लें, लाइकवाइज. चलिए जनाब, किस ज़ोडियक साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा, लेट्स सी किस ज़ोडियक साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा. आप खुद हो सकते हैं ये, आप इस पर्सन से डील कर रहे होंगे, इसमें ड्यूरेशन, नंबर, टाइम ये पता चलेगा. मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कर लूँ, जो लोग प्राइवेट रीडिंग्स लेते हैं, प्लीज़ शादी कब होगी, प्रेगनेंसी है या नहीं, इससे रिलेटेड मैं नहीं आंसर्स देती, बिकॉज़ ये खुदा ताला के काम है. मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर सकती हूँ, वो भी सिर्फ टैरो के थ्रू. गैब का इल्म सिर्फ खुदा ताला की ज़ात के पास है. चलिए जनाब, किस ज़ोडियक साइन का इन्फ्लुएंस रहेगा, क्या ड्यूरेशन. संडे, आज संडे है, गो इनवर्ड्स, डिवेलप अ विजन. देख लीजिए, आप खुद अपने अंदर तमाम चीज़ों को सोचें और एक नया परस्पेक्शन, एक नया ऑन स्पॉट डॉट टारगेट करें और इस टारगेट को अचीव करने के लिए कॉन्टेम्पलेट करें, सोचें, डिवेलप अ विजन, एक न्यू डायरेक्शन. फ्री स्पिरिट में आ गए हैं, एक नया विजन, वेरी सिंपल, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी बोल्ड मैसेज. आज संडे है, नंबर वन बिगिनिंग का कार्ड. यू हैव टू बिगिन समथिंग न्यू. खुद दोबारा से अपना इंट्रोस्पेक्शन करें और एक न्यू विजन क्रिएट करें, ठीक है. नाउ किस एंजल नंबर के थ्रू आपके लिए क्या अफर्मेशन है, किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आ रही है और क्या अफर्मेशन है.
प्लीज़ गाइड मी किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है. नंबर एट, ओ माई गॉड, कैन यू बिलीव इट, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सो सो सरप्राइज्ड. देखिए इस तरह टैरो से एनर्जीज पिक होती हैं. मैं इतने दिनों से नोटिस कर रही थी और कल तो मैं किसी को खुद रीडिंग देते हुए मुझे हो रहा था कि यार व्हाट इज़ हैपनिंग. ऑल दो इट्स अ गुड थिंग, बट नंबर एट देख लें आप, नंबर एट यहाँ पे भी नंबर एट आया था. ये रहा नंबर एट, नंबर एट एंड नंबर एट, जस्ट लुक एट इट. सो कमिंग बैक टू इट, अब आपका मैसेज क्या है, गाइडेंस क्या है. योर टैलेंट फॉर सेटिंग एंड रीचिंग गोल्स इज लाइक नो अदर, किसी और की तरह नहीं है जिस तरीके से आप गोल सेटिंग करते हैं. इसीलिए आपके लिए मैसेज आया है, गो इनवर्ड एंड डेवलप अ विजन. यू आर सेल्फ सफिशिएंट, देख लीजिए आप, यू आर सेल्फ सफिशिएंट. नाइन ऑफ पेंटिकल्स जिसकी रीडिंग में उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती. यू आर सेल्फ सफिशिएंट एंड केपेबल ऑफ अचीविंग योर एम्बिशंस, फ्री स्पिरिट, डिसीजन मेकिंग. Your ambitions be representing the ebb and flow of infinite loop of creation. I am successful. You have to be confident, simple as that. आप अपनी लाइफ में अब जो फैसले करें, इसीलिए शायद आपको सीक्रेटिव रहने का मशवरा भी है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आपके काम को कोई स्नैच करता है, आपके काम को कोई कॉपी करता है. और ऑनलाइन ये तो फाइट बहुत ज़्यादा होती है, अगर आप सोशल मीडिया पर कोई काम करते हैं या आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड आपका कोई काम है, तो आपके आइडिया को कोई स्नैच करता है. तो यू नीड टू बी को क्रिएटर. और इस बिलीफ के साथ अपने आप को जितना सीक्रेटिव रखेंगे कि आप अच्छे गोल सेटर हैं. सो वॉट एल्स, आई एम इन अ स्टेट ऑफ सरप्राइज एंड शॉक, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस. तो आज की अफर्मेशन के लिए टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ. अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम स्टेबल, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम बोल्ड, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम सक्सेसफुल. हैव अ ब्लेस्ड डे. बाय बाय.